नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में TECU 9 5G वर्सेस Vivo V25 5G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो TECU 9 5G में 6.26 इंच जबकि V25 5G में 6.27 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि सेम जैसी ही है। विड्थ की बात करें तो TECU 9 5G में 2.96 इंच जबकि V25 5G में 2.92 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि TECU 9 5G से कम है। अब बात करते हैं वेट की तो TECU 9 5G में 200 ग्राम जबकि V25 5G में 186 ग्राम का वेट देखने को मिलता है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही AMOLED की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो TECU 9 5G में 6.56 इंचेस जबकि V25 5G में 6.44 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन TECU 9 5G में 1080x2376 और V25 5G में 1080x2404 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो TECU 9 5G में 86.95% जबकि V25 5G में 84.77% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो TECU 9 5G में 398 पिक्सल प्रति इंच जबकि V25 5G में 409 पिक्सल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो TECU 9 5G में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा देखने को मिलता है और V25 5G की बात करें तो इसमें भी हमें 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो दोनों फोन में 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो TECU 9 5G में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 5 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं और V25 5G में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो TECU 9 5G में Adreno 660 जबकि V25 5G में Mali G68 MC4 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो TECU 9 5G में Qualcomm Snapdragon 888 Plus और V25 5G में MediaTek Dimensity 900MT6877 मिलता है। बात करें RAM की तो दोनों फोन में सेम ही 2 वेरिएंट देखने को मिलता है और दोनों फोन में सेम ही 8GB 12GB की RAM मिलती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो दोनों फोन में सेम ही 2 वेरिएंट देखने को मिलता है और दोनों फोन में सेम ही 128GB 256GB की स्टोरेज मिलती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी की बात करें तो TECU 9 5G में नहीं है जबकि V25 5G में अप टू 1TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में एंड्रॉइड V12 देखने को मिलती है। बैटरी TECU 9 5G में 4350 mAh जबकि V25 5G में 4500 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 2 कलर्स ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो TECU 9 5G में 2 वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 8GB RAM 128GB स्टोरेज के साथ 42,990 रुपीज़
12 GB रैम 256 GB स्टोरेज के साथ 46,990 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें V25 5G की तो उसमें दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 8 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 27,999 रुपीस, 12 GB रैम 256 GB स्टोरेज के साथ 31,999 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो EQ9 5G में 7 फायदे और 3 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें Vivo V25 5G की तो उसमें 8 फायदे और 6 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है। मेन कैमरा में V25 5G आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में EQ9 5G आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Realme GT 2 Pro 5G है, दूसरा Vivo V 23 Pro 5G है, तीसरा Samsung Galaxy M53 5G है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें OnePlus Nord 2T 5G है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलना।